हेलो व्यूअर्स, आज की मेरी जो रेसिपी है वो है लौकी की दो प्याज़ा सब्ज़ी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी की दो प्याज़ा सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। मैंने ले ली है एक लौकी, इसे मैंने धुल के और ऐसे पीसेस में काट लिया है, और मैंने यहाँ पे तीन बड़े साइज के आलू ले लिए हैं जिसके मैंने बड़े बड़े पीसेस बनाए। मैंने चार बड़े साइज के प्याज लिए हैं और इसको इस तरह से रफली काट लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन की कुछ कलियाँ, इसे मैंने छील के ले लिया है, और यहाँ पर मैंने एक खड़ा लहसुन ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से धुल के और साफ़ कर लिया है। साथ ही हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर, ये मैंने लिया है मीट मसाला पाउडर, और मैंने लिया है नमक, और मैंने ले लिया सरसों का तेल और पानी। यहाँ पे हमने साबुत मसाले लिए हैं। साबुत मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है तीन लौंग, छोटी सी जावित्री, दो हरी इलायची, दो बड़ी काली इलायची, जीरा, छोटी सी दालचीनी, साबुत लाल मिर्च और तेज़पत्ता। तो ये मैंने सारे सामान यहाँ पे ले लिए हैं। अब चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम होममेड मसाले से ही बनाएंगे, तो सबसे पहले हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम मसाले को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, और ड्राई रोस्ट करने के बाद से हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो चलिए हम इसे सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मसाले को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने तवे को फ्लेम के ऊपर रख दिया है। अब हम इस पे साबुत लाल मिर्च और तेज़पत्ते को छोड़ के बाकी सारे मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे निकाल के अलग कर देती हूँ, और बाकी सारे मसाले को मैं यहाँ पे तवे पे ड्राई रोस्ट करने के लिए ऐड कर देती हूँ। देखिए, अब हमारे मसाले से बहुत अच्छी सी खुशबू आने स्टार्ट हो गई है, और ये रोस्ट हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी, और फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसको मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। तो अब रोस्ट करने के बाद हम मसालों को यहाँ पे जार के अंदर इस तरह से ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो मसाला है यहाँ पे पिस के तैयार है। इसे हमें बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, हम थोड़ा सा मोटा पाउडर ही बना के रखेंगे, और इसमें से हम छिलकों को बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। छिलकों को हम मसाले के साथ ऐड करेंगे, इससे जो सब्जी की खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। चलिए तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो मसाला है इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो जब तक हम इसे सब्जी में ऐड नहीं करेंगे तब तक हम इसके लिड को लगा के रखेंगे, नहीं तो इसकी खुशबू चली जाएगी, तो सब्जी में उतनी अच्छी खुशबू नहीं आ पाएगी। तो हम इसके लिड को कवर करके रखेंगे इस तरह से। तो अब हम ये सब्जी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सब्जी का नाम है लौकी की दो प्याजा। तो ये जो सब्जी, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस सब्जी को हम बिना फ्लेम के ऊपर रखे ही सारी चीज़ों को हम पहले से ऐड कर देंगे, और फिर हम इसे फ्लेम के ऊपर चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये जो मैंने कटी हुई सब्जियां ली हैं ये मैं कुकर के अंदर ऐड करूंगी। आलू और लौकी ऐड हो चुकी है, अब हम इसके अंदर कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ये तेज पत्ते को ऐड कर देंगे, साथ ही साबुत लाल मिर्च। अगर हम तीखा ज़्यादा चाहते तो हम इसे तोड़ के इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक खड़ा लहसुन लिया था साफ़ करके, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही ये छिले हुए लहसुन को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने ये जो ड्राई मसाला रोस्ट करके बनाया था पाउडर, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। एक चम्मच यहाँ पर हम मीट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर इसे हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि इसकी वजह से इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, यहाँ पे हम सरसों का तेल ऐड करेंगे, तेल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ऐड करेंगे, और हम इसे मिक्स कर देंगे। बहुत थोड़ा सा ऐड करना है यहाँ पे, देखिए मैं इसमें सिर्फ इतना पानी ऐड करें, क्योंकि हमें पता है कि लौकी जो होता है वो फ्लेम पे जाने के बाद से अपने आप बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर देता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये सब्ज़ी जले ना।
अब हम लिड को लगा के और इसे फ्लेम के ऊपर रख देंगे। अभी मैंने प्रेशर कुकर को फ्लेम के ऊपर रख दिया है और इसकी जो पहली सीटी है इसे हम हाई फ्लेम पे आने देंगे और फिर हम फ्लेम को कम करके 3 और सीटियों को आने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर में पहली सीटी आ चुकी है हाई फ्लेम के ऊपर, तो अब मैं फ्लेम को यहाँ पे कर दूंगी लो और लो फ्लेम पे हमें इसे 3 सीटी आने का वेट करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जैसे जैसे अगर हमें इसे जल्दी से और बहुत अच्छे से इसे पकाना है तो हम बीच बीच में हमें क्या करना है, हमें कुकर को इस तरह से शेक करना है जिसकी वजह से मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, अब मैं कुकर को खोलने वाली हूँ। ये देखिए अभी मैंने कुकर को खोला है और ये देखिए सब्जी का कलर, ये सब्जी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। चलिए तो अब हमारी जो सब्जी है वो बन के बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए, तो अब मैं इसे सर्व करूँगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।